जी आश्रम फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त हैदर, हैदी पेट्स एंड एनिमल्स में। दोस्तों माशाल्लाह से शो करें जी, पपीज़ का फीमेल ने पाप सिल्वर कर दी, अल्लाह को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है कि अल्लाह पाक इन पपीज़ को हेल्दी एक्टिव रखे और अच्छे से इनकी ग्रोथ हो। ये मेरी फ़ीमेल है जी, इम्पोर्टेड फ़ीमेल है, शो करें। ये मेरे अपने मेल से मेटेड है, ठीक है जी, मोनी से। ये आप लोग चेक करें। और रात को का टाइम है, अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो मैं फिर अभी पपीज़ को अपने सामने फीड करवाने आया हूँ। हर 2 घंटे बाद हम लोग फीड करवाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ के हवाले से, कि उनकी कैसे उनको ख्याल किया जाता है, टेक केयर की जाती है, फीड कैसे करवाते हैं, कब करवाते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बातें इसमें पपीज़ के हवाले से, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, डाइट शेड्यूल, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये चेक करें फ्रेंड्स, ये आपके सामने अभी पपीज़ हैं, तो हम लोग इनको खुद फीड करवा रहे हैं। हर 2 घंटे बाद हम लोग अपने सामने फीड करवाते हैं बच्चों को। बच्चे माँ के पास ही पड़े रहेंगे, हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि मदर इनकी इनको कुछ भी नहीं करती, मतलब तंग नहीं करती बच्चों को, बच्चों का ख्याल करती है। उन फीमेल से पप्स हम लोग उठा लेते हैं जो बच्चों के ऊपर बैठ जाती हो, बच्चों को बाइट करती हो फीमेल्स। तो ये चेक करें, ये सुकून से फीमेल अभी पपीज़ को फीड करवा रही है, तो इसीलिए हम लोग इसके पास ही पपीज़ छोड़ते हैं और अपने सामने हर 2 घंटे बाद फीड करवाते हैं बच्चों को। बाकी डाइट के हवाले से, मदर की डाइट के हवाले से बात करेंगे, तो भाई बच्चों को हम लोग मदर को 3 टाइम डाइट देंगे, अच्छी डाइट दे रहे हैं, ठीक है। डॉग फूड वगैरह भी यूज़ करवा रहे हैं साथ में, और रॉयल कैनन का जो मिल्क आता है, ठीक है जी, वो यूज़ करवा रहे हैं मदर को। मदर खाएगी तो बच्चों को अच्छे से दूध पिलाएगी और अच्छा मतलब ख्याल कर सकेगी। माँ सेहतमंद हो, बच्चे सेहतमंद। ये आप लोग देखें, बच्चे सुकून से फीड कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तभी मैं थोड़ा सा खामोश होता हूँ, आप देखिएगा कि बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो ये निशानी है कि बच्चों का पेट भर गया है, खामोश हो गया है। ये चेक करें, पपीज़ अभी फिर उठ गए हैं, सोए हुए थे, ये अभी फिर खामोश हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे। मदर भी सो रही है इनकी, पपीज़ भी सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ। ब्रीडिंग इसलिए बहुत मुश्किल है। तो बाकी यही है कि अल्लाह पाक खैर करें, पपीज़ अवेलेबल फॉर सेल हैं, और जो भाई भी लेना चाहे नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 03-11-55-73-606, लोकेशन टेक्सला सिटी। जो भाई भी लेना चाहे लाइव आ गए ऑन द स्पॉट, बच्चे चेक करें, बच्चे लॉन्ग कोट हैं, ठीक है जी, और अपनी मर्ज़ी से ऑन द स्पॉट पेमेंट निकाल के पपीज़ लेकर जाएं। किसी किस्म की एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बना, नॉर्मल कैमरे से, ठीक है जी। लॉन्ग कोट फीमेल है, और इंशाल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। बाप भी मैं इसके ना अभी इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में साथ दिन की वीडियो बनाऊंगा तो साथ लगा दूंगा। बाकी ये भी बच्चों का शौक करें, मदर का शौक करें। पपीज़ अभी फिर सिर्फ बुकिंग के लिए हैं, फॉर सेल नहीं है, क्योंकि बच्चे आज 24 घंटों के हुए हैं। ये चेक करें, हम लोग जो है बच्चों को डिवर्मिंग करते हैं 23 डेज पे। फर्स्ट डिवर्मिंग 23 डेज पे करके साथ ही इनको सेल्फ फीड पे लगा देते हैं, ठीक है। सेल्फ फीड में हम लोग सीलैग वगैरह स्टार्ट करवाएंगे बच्चों को स्लो स्लो साथ। फिर जब 28वें 27वें दिन के होंगे बच्चे, तो साथ में रॉयल कैनन भी स्टार्ट करवा देंगे, वो वीडियोज भी मैं साथ अटैच कर दूंगा। फिर वीकली बेसिस पे या 10 दिनों बाद डिवर्मिंग करूँगा 3 महीने तक बच्चों की। और जब बच्चे सेल्फ फीड पे हो जाते हैं, तो इसमें रॉयल कैनन सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप लोग अपने पपीज़ को यूज़ करवाएं। रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर है, इसके बाद विनर प्लस का पपी है, ठीक है जी। ऐसे ही और भी ब्रांड्स के अभी तो स्टार्टर आ गए हैं, तो आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। बाकी यही है कि बॉयल एग, ये वो चावल, चिकन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लोग बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं।
और फर्स्ट वैक्सीन जो है वो 40 डेज पे हो जाती है, 35 to 40 डेज पे, फिर 60 डेज पे सेकेंड, थर्ड वैक्सीन 80 डेज पे, और 100 डेज पे लास्ट वैक्सीन होती है जो बच्चों की। और ये चेक करें, फीमेल सुकून से सो गई और बच्चे भी सो गए हैं। ये सिम्टम है कि बच्चों का पेट भर गया है। चेक करें, अभी मदर भी सो रही है और पपीज भी सुकून से सो रहे हैं। दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरा न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।